दोस्तों, नेपाल की ब्यूटी क्वीन मनीषा कोइराला ने बॉलीवुड से लेकर टॉलीवुड में ही नहीं बल्कि कई भाषाओं की फिल्मों में काम किया और खूब नाम और शोहरत कमाया। कैंसर जैसी जंग से लड़ने के बाद भी ये बॉलीवुड का हिस्सा बनी हुई है। इन्होंने हाल ही में आई फिल्म संजू में भी काम किया जिसने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा काम किया। लेकिन दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको इनके बारे में नहीं बल्कि इनकी प्रॉपर्टी के बारे में बताने वाले हैं कि ये कितनी प्रॉपर्टी की मालकिन है। साथ ही बताएंगे इनकी लग्जरी लाइफस्टाइल के बारे में जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। अगर आप भी इनकी प्रॉपर्टी और लाइफस्टाइल के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो के एंड तक बने रहना और इस ब्यूटीफुल एक्ट्रेस मनीषा कोइराला के लिए वीडियो को लाइक तो बनता है। अभिनेत्री मनीषा कोइराला ने अपने 31 साल के करियर में अब तक 51 फिल्में की जिनमें से ज्यादातर फिल्में सुपरहिट हुई। इन्होंने बॉलीवुड, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ जैसी फिल्मों में काम किया जिनमें इन्होंने एक फिल्म में काम करने के लिए करीब 3 से 4 करोड़ रुपए चार्ज किए। इसके साथ साथ ये कई बड़े बड़े ब्रांड के विज्ञापन भी करती है जिसके जरिए मोटी कमाई कर लेती हैं। इस तरह इन्होंने अपने दम पर टोटल 800 करोड़ की प्रॉपर्टी खड़ी की है जिसमें से आप इनके नेपाल वाले बंगले को ही देख लो जिसका एक एक कोना काफी लग्जीरियस है जिसकी कीमत 3 करोड़ रुपए है जिसमें अपनी फैमिली के साथ रहती है। इसके अलावा इन्होंने यूएसए और मुंबई में भी प्रॉपर्टी खड़ी की है जिसमें इनका यूएसए का बंगला 3 करोड़ का है और मुंबई वाला फार्म हाउस 2 करोड़ का है। दोस्तों, जब इतना कमाती है तो उसी हिसाब से लाइफ भी जीती होगी। शुरू करते हैं इनकी ड्रेसेस से। इन्हें डिजाइनर कपड़े पहनने का बड़ा शौक है। इनके पास वेस्टर्न ड्रेसेस से लेकर सिंपल ड्रेसेस का कलेक्शन है जिसमें से एक ड्रेस की कीमत 1 लाख से शुरू होती है। इन ड्रेसेस के साथ इनके पास मैचिंग ज्वेलरी का भी अच्छा कलेक्शन है जिनमें इनके पास गोल्ड, सिल्वर, डायमंड जैसे कई ज्वेलरी का कलेक्शन है जिनमें इनकी मामूली सी ईयर रिंग की कीमत 60,000 से कम नहीं होती। बात करें इनके शूज की तो इनके पास एक से बढ़कर एक शूज भी हैं जिनमें पंप्स, स्नीकर्स, हील सभी तरह के शूज शामिल है जो काफी अच्छे ब्रांड के हैं, इसलिए इनके एक पेयर शूज की कीमत 1 लाख से शुरू होती है। अंत में बात कर लेते हैं इनके कार कलेक्शन की तो इनके पास बेंटले कॉन्टिनेंटल GT, BMW एस सीरीज, पोर्शे कॉइन और मर्सिडीज बेंज जैसी गाड़ियां हैं। अगर रुख करें निजी जीवन की तरफ तो इन्होंने बिजनेसमैन से शादी की 2010 में। इनकी शादी ज्यादा दिनों तक नहीं चली। तो दोस्तों, आपको मनीषा कोइराला की संपत्ति के बारे में जानकर आश्चर्य हुआ कि नहीं, अपनी राय कमेंट में दीजिए और बॉलीवुड से जुड़े और भी बातें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।